अब बहुत जल्द रिजल्ट होगा जारी, हाथ में आएंगे सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट। 180 के स्पीड में कॉपी की जांच शुरू हो चुकी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020-22 24 फरवरी को समाप्त हो चुकी और अब सभी जितने भी परीक्षार्थी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा दिया था, अब वह अपना परीक्षा का रिजल्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, और जानना चाहते हैं कि कब तक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसको लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन बोर्ड द्वारा परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन बहुत जल्द शुरू करवाया जाने वाला है। इसको देखते हुए परीक्षा का रिजल्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब जारी किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों, बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर दिया जाता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम कॉपी चेकिंग 2022। जी हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के कॉपियों का मूल्यांकन 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई सारे नए और आधुनिक मूल्यांकन केंद्र भी बनाए गए हैं सभी जिलों में और कई सारे शिक्षकों को नियुक्त किया गया है कॉपियों का मूल्यांकन करने के लिए। आपको बता दें कि 2 शिफ्ट में कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा और सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कॉपियों का मूल्यांकन इस वर्ष किया जाने वाला है, ताकि जितना जल्द हो सके कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त करके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दें। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इतना जल्द ही और इतना तेजी से क्यों बिहार बोर्ड कॉपी का मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिहार बोर्ड इस वर्ष भी इतिहास बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इस वर्ष बिहार बोर्ड जितने भी पूरे भारत में स्टेट बोर्ड हैं उनसे पहले परीक्षा ले करके और रिजल्ट को जारी करने वाला है। ठीक है, यानी फिर से एक बार रिकॉर्ड बिहार बोर्ड खड़ा करने वाला है पूरे भारत में। जी हाँ, इतिहास रख देगा बिहार बोर्ड, इतना जल्दी कॉपियों का मूल्यांकन किसी भी स्टेट बोर्ड, यहाँ तक कि बोर्ड द्वारा भी नहीं किया जाता। इसी को देखते हुए बिहार बोर्ड जल्द से जल्द पति जी हाँ दोस्तों मूल्यांकन खत्म कर लेगा। दोस्तों, आपको बता दें हम जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी किया गया था। पिछले साल कॉपी का मूल्यांकन देरी से शुरू की गई थी और काव्य का मूल्यांकन करने में शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके वजह से कॉपियों का मूल्यांकन देर से समाप्त होने की वजह से रिजल्ट भी देरी जारी की गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के कॉपियों का मूल्यांकन 5 मार्च से शुरू होने वाला है, 17 मार्च तक संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर बता दें जितने भी लगभग जो है 17 लाख से भी ज्यादा छात्रों का मतलब कि मूल्यांकन मात्र 10 से 12 दिन के भीतर में किया जाएगा। बहुत सारे अभिभावकों और परीक्षार्थियों का मानना है कि इतना जल्दी कैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। तब आपको बता दें कि आधा से ज़्यादा कॉपियों का मूल्यांकन OMR सीट का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है और मात्र 50% की कॉपियों का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि दोस्तों, आप लोगों की सारी जानकारी के अनुसार जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो बिहार बोर्ड से जुड़ी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है। दोस्तों, यदि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी रिलेटेड जानकारी चाहिए, नीचे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। सभी जानकारी आपको पल पल की अपडेट के साथ मिलता रहेगा। दोस्तों, यहीं से वीडियो को समाप्त करेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स मैट्रिक के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को ग्रेस अंक मिलकर पास किया जाएगा। ग्रेस अंक बिहार बोर्ड जो है इस साल देने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे परीक्षार्थी जो है अच्छे से अपने पढ़ाई तैयारी नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से बिहार सरकार जो है ग्रेस अंक देने को निर्णय लिया है। सभी स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करते रहिए और सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को बता दीजिए इस चैनल को ज्वाइन कर लें बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।